दुश्मन जरा मूसा का शिया सी फस तगा सा हुल्ला दी मन शिया ते ही अल्लाह दी मन दुबे ही। कुरान कहिंदा जो मूसा का शिया था उसने मूसा को देकर मदद मांगी, उन्हें आख्या या मूसा मदद। मूसा दे शिया की आख्या या मूसा, ते शिया की कहिंदे ने या अली। ला कुरान विचो या मूसा मदद पढ़ ला, तेनू या अली मदद भी समझ आ जाएगी। एदा मतलब है कुरान ने दस दिता नबिया का पैरोकार हुंदा ही होवे जिहड़ा अपने मासूम की मदद का कायल होवे। उन्हें मूसा को मदद मंगी, एक मूसा का पैरोकार नू अल्लाह ने की आख्या मूसा दे। एदा मतलब जिहड़ा नबिया का पैरोकार हुंदा है वह शिया है। लै मैं सिर कटाण वास्ते तैयार हाँ, पढ़े लिखे बंदे बैठे हो आंदे ने जाना गल करे ते सियाने जड़े ने है आ कुरान हदीस सामने। मैं सिर कटाण वास्ते तैयार हाँ, बिस्मिल्ला दी बेतु लैके वन्नास दी सीन तक कोई तीसरे फिरके का ना कुरान च विखा दे। कुरान च दो फिरके ने, मनन वाले नू शिया आंदे ने, मुनकर नू अदुब ते दुश्मन आंदे ने। ओ सजना कुरान च ते फिरके ही दो ने, हाजा मिन शिया ते ही वा हाजा मिन अदुब ही। एक मूसा दा शिया एक दुश्मन, जदों कुरान ने फिरके ही दो दसे ने ते वल जमात कड़े गटर चो निकल आई है। ए जरा मैं समझा अल्लाह ने कीड़ी तो लैके हाथी तक पूरे कुरान विच हर छोटी तो छोटी शाय ते वड्डी तो वड्डी शाय दा जिक्र कीता, ते पाक तो पाक शाय दा जिक्र, ते पलीतां दे पलीत दा जिक्र भी कुरान विच। अल्लाह ने कुत्ते दा जिक्र कुरान च कीता, सूर दा जिक्र, जे जे कोई होर मजहब भी हुंदा और है ना। समझा तेनू शर्म नहीं आउंदी शियां ते कुफर ते फतवे लांदे आया। अल्लाह ने सूर का जिक्र किया, तेरे मजहब का जिक्र कुरान च नहीं किया, दस तेरे तो वड्डा पुलीत कौन है। अगर कुरान विच लफ्ज आया है वह लफ्ज शिया है, हाजा मिन शिया ते ही बहाजा मिन अदू वही। और है चार आयत मैं पढ़ चुके हैं शिया की अजमत, पंजवीं आयत भी सुन लो तारुफ हो जाएगा।